सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज बी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर कई सारी बातें सोच रही, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बच्चों की कोई तैयारी नहीं कर रही है, प्रैक्टिकल एग्जाम की कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दी नहीं इस बार बच्चों को, तो उसके रिगार्डिंग सीबीएसई काफ़ी सारी बातें सोच रही है। क्या क्या बातें सोच रही है गाइस, सब कुछ अपने आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को आपके काम की एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अन अकेडमी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए और केसीईटी कर्नाटका सीईटी एग्जाम के स्टूडेंट के लिए मैस्ट्रो बैच लेकर आई है। गाइस, मैस्ट्रो बैच के अंदर बच्चों को बेस्ट एडुकेटर की तरफ से पढ़ने का मौका मिलेगा। इंडिया के जो टॉप एडुकेटर है, स्टेट के नहीं, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट के, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको मैस्ट्रो बैच के अंदर। गाइज, मैस्ट्रो बैच की फीस मैं आपको स्कीम पे दे रहा हूँ। गाइज, काफ़ी कम फीस है। इस फीस पे गाइज आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और गाइज, इस फीस पे अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप जीपी एडवाइस 10 कोड लगा देना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और गाइज, अगर आप एक साथ पूरी फीस को नहीं भर सकते तो आपको गाइज ईएमआई पे भी फीस भरने का मौका मिलेगा। इस फीस को आप गाइज मंथली बेसिस पे भी भर सकते हो। ये भी गाइज फैसिलिटी अन अकेडमी ने दे दी है। गाइज देखो, पहले आप सभी को क्या करना होता था, अच्छी पढ़ाई करने के लिए कोटा या फिर दूसरी बड़े बड़े स्टेट में जाना होता था। लेकिन गाइज, अब अन अकेडमी के आने के बाद में आपको टॉप एजुकेटर, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टॉप एजुकेटर आप अपने घर बैठ के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। तो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अच्छी चीज़ है गाइज, काफ़ी कम प्राइस में मिल रही है, तो जरूर गाइज मेरा मानना है कि आपको मैस्ट्रो बैच को परचेज करना चाहिए। टॉप एजुकेटर, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। तो गाइज, जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके एक बार चेक करो, अगर अच्छा लगे जरूर परचेज करना। तो गाइज देखो, एजुकेशन मिनिस्टर हो चाहे सीबीएसई के चेयरपर्सन हो, हर किसी का मन में एक ही क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल एग्जाम इस बार ले कैसे, क्योंकि बच्चों ने प्रैक्टिकल नॉलेज ली नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम की कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। बोर्ड एग्जाम तो भी बच्चे दे देंगे इस बार, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को काफ़ी टेंशन है। तो इसी के ऊपर सीबीएसई का ये डिसीजन है। सीबीएसई का कहना है कि हम इस बार बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम जब भी कंडक्ट करवाएंगे, उस समय बच्चों के जो मार्क्स है वो स्कूल वाले ही भेजेंगे। जो बाहर का एग्जामिनर होगा वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है, वो मार्क्स कुछ भी पुट नहीं कर सकता। जो भी मार्क्स होंगे वो स्कूल का ही टीचर भेजेगा, और जितने वो मार्क्स भेजना चाहता है वो भेज सकता है। पूरी हेल्प की जाएगी टीचर की तरफ से बच्चे की। तो गाइज, आप ये बात समझ लो, अगर स्कूल का टीचर नंबर भेज रहा है तो आप इस बात की गारंटी आप मेरे से ले लो कि आपके नंबर, अगर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो आपके 19 मार्क्स फिक्स जाएंगे, और अगर आपका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है तो 28-29 ईजिली जाएंगे। लेकिन गाइज, उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, प्रैक्टिकल फाइल्स जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है वो कंप्लीट रखना होगा, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, भर भर के नंबर मिलने वाले हैं, ये बात आप समझ लो। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आप सभी के लिए। गाइज, जैसे जैसे डेज पास में आ रही है, आपको डेली एक गुड न्यूज़ मिलने को देखने को मिल रही है। और गाइज, मैं ज़्यादातर अच्छी न्यूज़ ही आप तक पहुँचा रहा हूँ, कोई उल्टी फुल्टी खबर आती है तो मैं उसको पहले कंफर्म करता हूँ फिर ही आप तक पहुँचाता हूँ। गाइज, ये मॉर्निंग मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये न्यूज़ मिली, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को बता दूँ। तो गाइज, अब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम पे आपको बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं, छोटे नहीं, बड़े बड़े बेनिफिट मिलेंगे मार्क्स को लेकर और भी दूसरी चीज़ों को लेकर, तो आप उसकी टेंशन मत लो। अगर गाइज आपको कोई दूसरा अपडेट देना हो तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। गाइज, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आप तक न्यूज़ पहुँचाता हूँ, तो गाइज हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी न्यूज़ वगैरह मिल सके। अगर गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी जरूर शेयर करना, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आ सकेंगे, सेफ रहो।